केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। वहीं झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामे होने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन में भी हंगामे की आसार जताए गए हैं। सोमवार को शोरगुल के बीच ही सदन लगभग 40 मिनट ही चली। सदन के बाहर से लेकर भीतर तक हुए हंगामे के बीच वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का लगभग 12,000 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। आज इस अनुपूरक बजट पर सदन में बहस की जाएगी। हालांकि आशंका है कि सदन के बाहर से लेकर अंदर तक हंगामे ही हंगामे हो सकते हैं। सोमवार की तरह ही भाजपा जहां आदिवासियों की सुरक्षा की बात कर सकती है, तो वहीं सरकार की ओर से मणिपुर को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।